नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे, काफ़ी खुश होंगे। और ये हमारा परचू लगा का प्लांट है, जिसमें दोस्तों हम और ये पर्सलेन का है दोस्तों, और वाइट कलर के भी परचू लगा हैं, पिंक कलर के भी हैं, और कई कलर के हो गए हैं दोस्तों। जबकि मैंने सिर्फ वाइट, और ये देख सकते हैं आप, ये कलर मैंने लगाया नहीं था, लेकिन जब मैंने इसकी कटिंग लगाई तो मैंने देखा कि इस कलर का भी प्लांट निकला हुआ है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पिंक कलर का लेके आ रहे हैं तो आपको हमेशा पिंक इसी कलर का फ्लावर मिले। कभी कभी गमले में आपको वही कटिंग लगाएंगे और चेंज कलर के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये कोई अगर आप लेने जाएंगे कि हाँ हम ले आए, तो ये मालूम नहीं होता है कि कौन सा कलर हमको मिलेगा लगाने के बाद, या कौन सा कलर का हम ले के आ रहे हैं। कह के भी लाएंगे तब भी हमको कोई गारंटी नहीं होती है कि हाँ वही कलर मिल जाए, सेम वाइट या पिंक। तो आप छोटी छोटी कटिंग भी अगर आप लगा देंगे तो ये प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, और बहुत इजीली लग जाता है। कहीं पर भी आप लगा देंगे, पेड़ के साइड में लगा देंगे, या कोई खाली छोटे से छोटे डिब्बे में लगा देंगे, कहीं पर भी लगा देंगे। ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो भी करता है और बहुत जल्दी फ्लावर इसमें आने लगते हैं दोस्तों। तो इसकी कटिंग बहुत अच्छा समय है, बरसात का समय है, इस समय आप लगा दीजिए, इसकी छोटी से छोटी कटिंग लगा दीजिए, और बहुत तेज़ी से ये फैलता है और बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें फ्लावर्स आते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं दो कलर के फ्लावर्स आए हुए हैं, वाइट और पिंक, और यहाँ पर आपको येलो कलर का जो है दिखाई देगा। और बड़ी अच्छा लगता है दोस्तों जब हम कोई ये कलर खरीद के ना लाएं और अचानक से हमें इस कलर का फ्लावर देखने को मिल जाए। ज़्यादातर ये आम ये कलर मिल ही जाता है, वाइट और पिंक, लेकिन और कलर हमें जल्दी देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं दोस्तों। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप बचाना चाहें तो बचा भी सकते हैं, इसको किसी भी साइड में लगा दीजिए, वहाँ पर ये बहुत ही आसानी से लग जाता है और हमेशा सालों साल बना रहेगा। बस यहाँ पर ही देख सकते हैं साथ में इसके वो अपराजिता भी निकला हुआ है। तो इस तरीके से ये सालों साल बचा रहेगा, बहुत सारे सूखेंगे भी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये कलर आपको देखने को भी मिल जाएगा, और इस कलर के फ्लावर्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन बस ये है कि उसे बचाना ज़रूरी है। अभी हम ख़रीदने जाएँ कि हाँ हमको इस कलर का फ्लावर मिल जाए तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता है, छोटे छोटे होते हैं तो उसमें पता नहीं चलता है कौन से कलर का प्लांट हमें मिल रहा है। लेकिन आप गार्डन में अपने लगाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके गार्डन में भी अचानक से बहुत सारे कलर आपको देखने को मिल जाएंगे, जबकि एक ही कलर लाए होंगे। लेकिन हाँ ये है, वाइट कलर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो पिंक कलर के हम लेके आए थे उसी के साथ ऐसा हुआ है मेरे साथ कि ये कलर हमको देखने को मिला दोस्तों। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और जब देखने को मिले तो उसकी कटिंग आप कोशिश कीजिए एक कई जगह बढ़ाने की, कि कई गमलों में लगा दीजिए, तभी आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो हम प्लांट लाए थे वो एक ही बार लाए थे, और उसके बाद जो है फिर हम पिंक कलर का लाए थे, और काफ़ी हमको मन था कि हम वाइट कलर का भी लाएँ, तो वाइट कलर भी हमको मिल गया था। लेकिन उसके बाद जितने भी कलर आप देख रहे हैं जो चेंज हुए हैं, वो हम ख़रीद के बिल्कुल भी नहीं लाए हैं, इसी पिंक कलर से वो कलर चेंज हुआ है दोस्तों। और ये पर्सलेन है, पर्सलेन भी आपके पास सालों साल टिका रहता है एक जगह। बस इसको ये ध्यान रखना है कि हमें इसको कहीं भी गमले में ऐसी जगह लगा दें जहाँ जो है ये टिका रहे, लगा रहे। बहुत घना होता है दोस्तों, ख़राब नहीं होता है, आपको लगेगा ये सूख गया है, बेकार हो गया है, तो उसको निकाल के बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, पड़ा रहने दीजिए। जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे इसमें जो है अपना जो है रूप बदल लेगा, वैसे ही इसमें ये घना होने लगेगा, पत्तियाँ आने लगेंगी, इसमें जान आ जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप परचूला का और पर्सलेन का प्लांट लगा सकते हैं, चाहे नर्सरी से लगा लीजिए या चाहे किसी के यहाँ से छोटी कटिंग मांग लाइए। अभी भी समय है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपके गार्डन में फ्लावर्स बने रहेंगे। सबसे ज़्यादा अगर आप चाहते हैं फ्लावर छोटे छोटे ये देखने को मिले, तो बहुत ही आसानी से ये फ्लावर्स बहुत घना, बहुत ज़्यादा संख्या में फ्लावर देने वाला होता है समर के टाइम पर, और बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों। और कैसी भी मिट्टी में आप लगा दीजिए, लग जाता है।
बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे तेज़ धूप में रखना है, होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, मनाना पील फर्टिलाइज़र समय समय पर देना है, पानी का ध्यान देना है और बहुत ज़्यादा बरसात होने पर पानी इसमें स्टोर ना होने पाए और जैसे ही इसमें फ्लावर्स आ जाए तो उस फ्लावर जब सूख जाए उस जगह से उस फ्लावर की उसको कट करके हाथ से हटा देना चाहिए, लेकिन उसको कट करके फेंकिए बिल्कुल भी नहीं। छोटी से छोटी कटिंग भी हमारी बार बार कह रहे हैं दोस्तों ये लग जाती है, इसको लगा दीजिए कहीं पर भी, इस तरीके से आपके गार्डन में हमेशा सालों साल प्लांट ये बना रहेगा, कभी आपको दोबारा खरीद के नहीं लाना पड़ेगा। इस तरीके से आप ध्यान देंगे तो इस समय बरसात का समय है दोस्तों, घास फूस बहुत ज़्यादा इसी में निकल आते हैं तो उसको भी समय समय से निकालते रहिए और इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये सन लविंग प्लांट है, बिल्कुल भी इंडोर प्लांट नहीं है, तो इसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ 4-5 घंटे की आराम से इसको धूप मिल सके, तो ये आराम से निकलता है और शाम तक ये बिल्कुल भी आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, बस दिन जब तक धूप रहती है तभी तक ये आपको दिखेगा प्लांट में फ्लावर्स। और आगे वीडियो भी हम और अच्छे अच्छे लेके आएंगे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, इससे पहले भी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ज़रूर देखिएगा जाके। होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे मैंने बनाई हूँ उसका भी डाल दूँगी कि कैसे मिट्टी में तैयार किया जाता है, कैसे मिट्टी हम बनाते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ज़रूर देखिएगा जाके। जल्दी ही हम कुछ अच्छा सा नया सा वीडियो लेके आते हैं दोस्तों, लेकिन उसके पहले हम ज़रूर बता दें ये बरसात का समय चल रहा है, बहुत ही अच्छा कटिंग का समय चल रहा है, कोई भी प्लांट की कटिंग आप ज़रूर लगा लीजिए, बहुत आसानी से इस समय कटिंग हमारी लग जाती है दोस्तों। कैसी भी कटिंग आप लगाएंगे, 4-5 कटिंग लगाएंगे वो ज़रूर लग जाएगी और इस समय जैसे पौचुला का है, गुड़हल है, ये सब की कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।